नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रंजना वेज फूड चैनल में। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों? मैं उम्मीद करूँगी कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो आज हम कुछ अलग तरीके की रेसिपी बना करके आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आज हम किस चीज़ की सब्ज़ी बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, किन किन सामग्री से बनाएंगे, इसके लिए आप लोग मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो आप लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बनाने वाले हैं लिटोरा की सब्ज़ी। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इसको लिटोरा बोलते हैं और जो कि ये छत्तीसगढ़ की बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा महंगी सब्ज़ी है। छत्तीसगढ़ में इसको बोहार बोलते हैं, बोहार। तो इसी की सब्ज़ी हम आप लोग को बना करके आज शेयर करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यही है लिटोरा का पेड़, यही है लिटोरा। तो दोस्तों, इसी की हम रेसिपी बनाने वाले हैं। तो हमारे घर पर ही ये पेड़ है और इसमें काफ़ी ढेर सारा लिटोरा लगा हुआ है, देखिए दोस्तों। इसमें काफ़ी ज़्यादा ये इसमें विटामिन पाया जाता है, तो हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो इसको हम यहाँ से तोड़ लेते हैं ऐसे। तो इतना सारा बुहार हमने तोड़ लिया है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम लेकर के चलते हैं अपने चूल्हे के पास। तो लिटोरा को हम लेकर के आ गए हैं घर पे। अब इसका हम डंठल अलग कर लेते हैं और लिटोरा को अलग कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसका डंठल हम हटा देंगे, लिटोरा को थाली में रखते जाएंगे। इसी तरीके से हम सभी लिटोरा को डंठल से अलग कर लेंगे। तो इसको भी हम धुल लेते हैं पानी से। तो लिटोरा लिया हुआ है मैंने और इसके साथ में लिया हुआ दो टमाटर और ये लहसुन की कलियाँ, ये अदरक और तीन हरी मिर्च और प्याज। आग को हमने जला लिया है और चूल्हा पर रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने तेल भी डाल दिया है। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तब हम इसमें तड़का लगाते हैं जो कि हम डाल लेते हैं प्याज। और अब हम डालेंगे इसमें अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च और धनिया और लहसुन, और हमने लिया हुआ है खड़ा सरसों, इसको डाल लेते हैं। तो इतना चीज़ से हम तड़का लगा रहे हैं। अब इनको हम पकाएँगे धीमी आँच में। अब हम डाल लेते हैं थोड़ा सा हींग। हींग काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्याज का कलर हमारा हल्का चेंज हो गया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं टमाटर। तो इस सब्ज़ी में हम टमाटर ज़रूर डालेंगे, टमाटर से सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ें हमारी अच्छी तरह से पक चुकी हैं, अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा मसाला जो कि हमने लिया हुआ है। ये थोड़ा सा डाल लेते हैं हल्दी पाउडर और ये थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसमें लिटोरा को डाल लेते हैं। तो इनको हमने मसाला में अच्छी तरह से मिला दिया है। अब हम इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल लेते हैं और हम इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ऐसे ही इनको हम धीमी आंच में पकाएंगे। सब्जी हमारी खाने के लिए एकदम से पक करके रेडी हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया हुआ है। अभी हम कढ़ाई को चूल्हा से नीचे उतार कर रख लेते हैं। तो लिटोरा की सब्ज़ी हमारी बन करके एकदम से तैयार हो गई है खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत और कितना प्यारा दिख रहा है। आप इस सब्जी को रोटी के साथ, पराठा के साथ, पूड़ी के साथ बहुत ही अच्छे से खा सकते हैं और औरों को भी खिला सकते हैं।
आप लोगों ने देखा कितना जल्दी हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के मेरा वीडियो आप लोग को क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।